हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साइमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कोरिजन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल का लास्ट का टॉपिक, जिसका नाम है अलॉय। नो व्हाट इज अलॉय, ये अलॉय होता क्या है? जो अलॉय होता है हमारे पास, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल का। और इन कॉमन लैंग्वेज वी कैन से दैट जब हमारे पास मेटल मेटल के साथ मिलता है तो बनता है अलॉय, और मेटल जब नॉन मेटल के साथ मिलता है तब भी हमारे पास क्या बनता है? अलॉय। यानी कि जब हमारे पास दो मेटल या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल मिलते हैं, दे विल फॉर्म अलॉय। बट हम अलॉय को डिफाइन कैसे करते हैं? अलॉय को हम डिफाइन करते हैं कि अलॉय जो हमारे पास है एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा मैटर की, ठीक है? अभी हमने पढ़ा मैटर प्लस मेटल, इसमें हमारे पास दो मैटर हैं। दो मैटर होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्लस तीन भी हो सकते हैं, ठीक है? और ये हमारे पास क्या बनाएंगे? अलॉय। या फिर एक मैटर होगा और एक क्या होगा? नॉन मैटर। तो ये हमारे पास बना देंगे अलॉय। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर होती क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होती है? सपोज दिस इज़ अ बीकर, इसके अंदर था पानी, हमने पानी लिया, वाटर, H2O मैंने लिखा। अब इसमें हमने क्या डालना है? साल्ट। इसमें हमने साल्ट डाल दिया और ये हमारे पास एक सॉल्यूशन बन गई, साल्ट इन वाटर। अब इस सॉल्यूशन को हमने चेक करना है कि इसमें साल्ट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम ये साल्ट यहाँ से इस सॉल्यूशन को ऊपर से लेंगे, इस जगह से लेंगे, तो हमारे पास साल्ट की जो कंपोजिशन आ रही है, सपोज करो वो 5 ग्राम आ रही है। यहाँ से हमने लिया सॉल्यूशन, इसमें चेक किया तो भी हमारे पास कितनी आ रही है? 5 ग्राम। यहाँ भी हमारे पास साल्ट की कंपोजिशन कितनी आ रही है? 5 ग्राम। यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह से हमने सॉल्यूशन में से थोड़ा सा पानी लिया, वो सॉल्यूशन ली, हर जगह से जो हमारे पास साल्ट की कंपोजिशन आई वो कितनी आई? 5 ग्राम। यानी कि जो हमारे पास साल्ट आ रहा है वो सेम अमाउंट में आ रहा है। दस ऐसी मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, जिसमें जो उसके कंपोनेंट की कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? सेम होती है या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस मिक्सचर इफ इट्स कंपोजिशन रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है? हर जगह जो सॉल्यूशन में कंपोजिशन है उसकी वो सेम रहे। तो हमारे पास अलॉय क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होती है, दो या दो से ज़्यादा मेटल की, या फिर एक मेटल एंड वन नॉन मेटल की, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, फर्स्ट जो एग्जांपल यहाँ पर दी गई है वो है कॉपर एंड जिंक। जो हमारे पास कॉपर जो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दी गई वो है ब्रास की, जो हमारे पास किसका अलॉय है? दो मेटल्स का। कौन कौन से मेटल? कॉपर एंड जिंक। अब कॉपर और जिंक दोनों हमारे पास क्या है? मेटल, ठीक है? अलॉय किसका है? कौन सा है हमारे पास? ब्रास। जो ब्रास है वो किससे मिलके बनता है? किसका अलॉय है? कॉपर एंड जिंक का। हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ? मेटल प्लस मेटल। कॉपर और जिंक को मिला के जो हमारे पास अलॉय बनता है उसको नाम दिया जाता है ब्रास। नेक्स्ट है हमारे पास स्टील। स्टील, जो स्टील है वो किसका अलॉय है? मेटल एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। मेटल इस केस में हमारे पास कौन सा है? आयरन एंड कार्बन के आ गया हमारे पास नॉन मेटल, ठीक है? ये हमारे पास जब आयरन और कार्बन को कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है? स्टील। अब ये बनता क्या है या फिर इनकी मिक्सिंग कैसे करते हैं? एन अलॉय इज प्रिपेयर बाई मिक्सिंग द वेरियस मेटल इन मोल्टन स्टेट इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन एंड देन कूलिंग देन मिक्स टू द रूम टेम्परेचर। क्या कहता है? जब हम अलॉय को बनाते हैं, यहाँ पर मेटल प्लस मेटल की बात हो रही है, ठीक है? तो जो दो मेटल हमने लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ब्रास हमने कौन सा मेटल लिया था? कॉपर एंड जिंक। अब हम इसको बनाते कैसे ब्रास को? मेटल एंड मेटल, यानी कि कॉपर एंड जिंक। अगर हम यहाँ पर बात करें, सपोज हम कॉपर और जिंक को लेते हैं दोनों मेटल को इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन, जितनी अमाउंट में हमें चाहिए होगी। ये नहीं कि एक ज़्यादा ले लिए एक बिल्कुल कम होगी। इन केस ऑफ ब्रास जो हम कॉपर लेते हैं वो लेते हैं 80%, कितना? 80%। व्हेयर एज जिंक जो लेते हैं वो लेते हैं 20%। ये आ गया इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन।
और उसके बाद उस मिक्सचर को कूल किया जाता है टू द रूम टेम्परेचर तक। कैसे हमने अलॉय बनाया? अलॉय को बनाने के लिए हम लेते हैं मेटल की मिक्सचर इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट यानी कि उसको मेल्ट करते हैं पहले, ठीक है, उसकी मिक्सचर की। तो देन उसको कूल किया एट रूम टेम्परेचर पे, हमारे पास जो नया प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा अलॉय। ये थी मेटल और मेटल की बात। अगर हम मेटल और नॉन मेटल की बात करें, इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सपोज स्टील वाले केस में हमने लिया था आयरन एंड कार्बन, ठीक है, Fe, आयरन आ गया हमारे पास, Fe प्लस C हो गया कार्बन। मेटल और नॉन मेटल को कैसे प्रिपेयर करते हैं? इनमें से सबसे पहले हम मेटल को मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट मेल्टिंग द मेटल। सपोज हमारे पास मेटल है अगर आयरन स्टील के केस में, तो हम पहले आयरन Fe को मेल्ट करेंगे, देन उसको डिजॉल्व कर देंगे हम नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारे पास क्या है? कार्बन, ठीक है। द अलॉय ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द मेटल, ठीक है। ये बात याद रखना कि सबसे पहले किसको मेल्ट किया जाता है। अगर हमारे पास एक मेटल हो और एक नॉन मेटल, मेटल को पहले मेल्ट करते हैं एंड देन डिजॉल्विंग द नॉन मेटल इन इट, फिर नॉन मेटल को इसमें डिजॉल्व कर देते हैं, फॉलोड बाई कूलिंग एट रूम टेम्परेचर, उसके बाद उसको ठंडा किया। अब जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलॉय की, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, यानी कि जिस मेटल से वो बना होता है उससे बिल्कुल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती हैं। इन जनरल अलॉयज जो होते हैं आर स्ट्रॉन्गर देन द मेटल फ्रॉम विच दैट आर मेड, सॉरी दे आर मेड होगा यहाँ पर, इन फ्रॉम विच दे आर मेड। कि जो हमारे पास अलॉय होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर होते हैं। जिस मेटल, सपोज हमारे पास स्टील है, स्टील हमारे पास किससे बना हुआ है? आयरन एंड कॉपर से, आयरन एंड कार्बन से। और ये क्या होता है? जो स्टील होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, अलॉयज आर हार्डर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, बहुत ही हार्ड होते हैं। थर्ड है, अलॉय आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरीजन, ठीक है, ये मोर रेजिस्टेंट टू कोरीजन है, इनको कोरीजन नहीं लगता। अलॉय हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द कंस्टिट्यूएंट मेटल, जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? कम होता है उस मेटल की बदौलत जिससे वो बने होते हैं, बनिस्बत जिससे वो बने होते हैं। अलॉयज हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन द प्योर मेटल, और जो हमारे पास अलॉय होते हैं उनकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है? कम होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट जो अलॉय होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल से, प्योर मेटल से क्या होती है? कम होती है। नो सम इम्पॉर्टेंट अलॉयज आर, फर्स्ट जो हमारे पास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ड्यूरालूमिन। जो हमारे पास ड्यूरालूमिन अलॉय है ये किससे बना होता है? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम मेटल इज लाइट बट नॉट स्ट्रॉन्ग, बट द अलॉय ऑफ एल्युमिनियम विद कॉपर मैग्नीशियम एंड मैंगनीज इज लाइट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। अब ये जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं ड्यूरालूमिन की, ये किससे बना होता है? ये बना होता है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। इन ये जो सभी जब मेटल हमारे पास मिलते हैं तो हमारे पास कौन सा अलॉय बनता है? ड्यूरालूमिन। और अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम मेटल हमारे पास क्या होता है? लाइट होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट जो इसका अलॉय है दैट इज़ ड्यूरालूमिन, वो लाइट भी होता है एज वेल एज क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही लाइट और स्ट्रॉन्ग होता है, इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग द एयरक्राफ्ट बॉडीज़। क्या बनाने के लिए? एयरक्राफ्ट बॉडीज एंड पार्ट्स और स्पेस सैटेलाइट्स, किचन वेयर, इन सब के बनने में किसका यूज़ होता है? ड्यूरालूमिन का, बिकॉज इट इज़ लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट अलॉय इज़ ब्रास। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, ब्रास जो होता है इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब इसमें हमारे पास 80% कॉपर होता है एंड जिंक कितना होता है? 20%। ब्रास इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, किसके लिए यूज़ होता है? यूटेंसिल्स, स्क्रूज, नट्स, वायर्स, ट्यूब्स एक्स्ट्रा। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अलॉय इज़ ब्रोंज। अब ये जो हमारे पास ब्रोंज होता है ये किसका अलॉय होता है? ये कौन से हमारे मेटल के साथ मिलकर बना होता है? कॉपर एंड टिन। और इसमें हमारे पास जो कॉपर होता है वो 90% लिया जाता है एंड टिन 10%।
और ये ब्रोंज जो होता है ये कहाँ पर यूज़ होता है? फॉर मेकिंग कॉइन्स, मेडल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स एक्स्ट्रा। ये जो हमारे पास मेडल होते हैं, कॉइन होते हैं, ये किससे बने होते हैं? ब्रोंज से। और ये ब्रोंज हमारे पास किसकी ओर लाए है? कॉपर एंड टिन की, कॉपर एंड टिन की। नेक्स्ट जो अलॉय हमारे पास वो है अमेलगम। अमेलगम किसका अलॉय होता है? मरकरी का। एन अलॉय ऑफ मरकरी विथ वन आर मोर अदर मेटल इज नोन एज अमेलगम। किसका? इसमें एक कंपोनेंट हमारे पास मरकरी तो होगा ही होगा, प्लस कोई और मेटल भी होगा साथ में, ठीक है। एक भी हो सकता है मेटल और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एन अलॉय ऑफ मरकरी मेटल विद वन आर मोर अदर मेटल इज नोन एज अमेलगम। अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड मरकरी मेटल इज कॉल्ड सोडियम अमेलगम। अब हम सोडियम अमेलगम कैसे बनाएंगे या किसे कहेंगे? हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल की सोल्यूशन लेते हैं। सोडियम मेटल की सोल्यूशन ली इन लिक्विड मरकरी, लिक्विड मरकरी में इसको हमने डाला, लिक्विड मरकरी मेटल में, तो ये हमारे पास क्या बन गया? सोडियम अमेलगम। क्या बन जाएगा? सोडियम अमेलगम, अमेलगम। अब अमेलगम के अंदर क्या आता है? एन अमेलगम कंसिस्ट ऑफ मरकरी, सिल्वर, टिन, जिंक, ठीक है। और ये जो हम यूज़ करते हैं डेंटिस्ट फॉर फिलिंग ऑफ टीथ, जो हमारे दांतों में जब कैविटी बन जाती है उसमें फिलिंग, वो किसकी करते हैं? अमेलगम की। और वो अमेलगम किससे बना होता है? अमेलगम कंसिस्ट ऑफ मरकरी, सिल्वर, टिन एंड जिंक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अलॉय इज अलॉय ऑफ गोल्ड। अब ये जो गोल्ड हम यूज़ करते हैं ये हम प्योरेस्ट फॉर्म में यूज़ नहीं करते, क्यों? जो हमारे पास प्योरेस्ट गोल्ड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो इजली बेंड हो जाता है। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैरेट, ठीक है। जो कि कोई भी गोल्ड कितना प्योर है वो हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? इन द टर्म ऑफ कैरेट। अब प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड हमारे पास कौन सा होता है? 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। कहते हैं ना 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, जो हमारे पास सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, वो गोल्ड कौन सा होता है? वो होता है 24 कैरेट का। और ये जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। अब इसको हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? गोल्ड इज़ अलाइड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर। इसका हम अलाय बनाते हैं किसके साथ? सिल्वर या फिर कॉपर के साथ। और इससे ये क्या बनता है? हार्ड। मैंने बोला था ना इधर नहीं आना, मैं पढ़ा रही। अगर हम इंडिया की बात करें, जितने भी हमारे पास ज्वेलरी होती है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, उनमें कितने कैरेट गोल्ड का यूज़ हुआ होता है? वो होते हैं 22 कैरेट गोल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें हमारे पास 22 पार्ट लिया जाता है प्योर गोल्ड का, एंड जो हमारे पास रिमेनिंग 2 पार्ट है वो लिया जाता है सिल्वर और कॉपर का, ठीक है। सिल्वर और कॉपर हम उसमें ऐड करते हैं क्योंकि 22 प्लस 2 हो गया 24। हमने पढ़ा कि जो हमारे पास 24 कैरेट होता है वो क्या होता है? प्योर गोल्ड। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। और नेक्स्ट हम आएंगे अपने नए चैप्टर के साथ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।